नमस्कार, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी जो है 11:15 बजे का टाइम है और हम लोग संजौली से जा रहे हैं नीचे थोड़े से, जहाँ से बसेस मिलती है, मतलब बसेस के लिए। तो लो जी फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए बस के पास। तो यहाँ पर बस खड़ी थी प्राइवेट ना, तो अब हम लोग बस में जाएंगे। तो मम्मी वगैरह बस में चढ़ रहे थे, तो बाकी काफ़ी सारी सवारियाँ थी, तो बस वही हम लोग बैठ रहे थे। और साई और मधु कर रहे हैं आप लोगों के लिए हाय। और अभी बस जो है खाली है, पूरी तरह से भरी नहीं है। तो यहाँ से बसें तभी चलती है जब फुल हो जाती है। और हम लोग बैठ गए फ्रेंड्स बस में। और फ्रेंड्स ये है हमारा लक्कड़दार का बस स्टैंड। वह फ्रेंड्स, इस टाइम हम नलक्कड़दार से ऊपर के लिए चढ़ रहे हैं और आज है संडे वाला दिन, तो आज संडे मार्केट भी लगी होगी और हम लोग घूमने फिरने आए हुए हैं। मैं कहा चलो अपने ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं और आपसे थोड़ी सी बातचीत भी कर लेते हैं, ठीक है। और साई, और देखो फ्रेंड्स, साई ना मधु की गोद में, बोलो मैं नहीं चलूँगा, मैं थक चुका हूँ। और आगे ना इसको बैलून वाला भी दिख गया हुआ है, पता नहीं क्या होने वाला है। और फ्रेंड्स इस टाइम हम ना टनल क्रॉस कर रहे हैं लोअर बाजार की। अब जाके रिलैक्स मिला हुआ है, बाहर इतनी ज़्यादा धूप है यार, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। शिमला में इतनी गर्मी पता नहीं और इलाकों में कितनी होगी। तो टनल क्रॉस करने के बाद सो लीजिए फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हमारे शिमला के लोअर बाज़ार में, जहां पर पूरी मार्केट होती है, मतलब जो भी आप लोगों ने शॉपिंग शॉपिंग करनी है वो। और ये देखिए क्या क्या लगा है हमारी संडे मार्केट में। और साई यहां पर कैंडी खाने के लिए रुक गया हुआ है। और यहां पर काफ़ी अच्छी सेल लगी थी संडे मार्केट में इस बार ना, तो मैंने थोड़े से सीन्स जो इसके ले लिए थे, सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर देखिए चप्पल वगैरह वाले की काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई थी। और ये देखिए शूज़ वगैरह वालों की, पर्सेस, बैग्स वगैरह डिफरेंट टाइप की लगी हुई थी। सब्जी वाले ने भी सेल लगा रखी, देखिए सॉक्सेस की लगी है, शूज़ की लगी हुई है फ्रेंड्स, और टॉयज़ की लगी हुई है। तो काफ़ी सारी सेल लगी हुई थी और हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग की। हालांकि मैंने वो इसमें कैप्चर नहीं किया हुआ है, मतलब नहीं रखी मैंने वीडियो में वो चीज़ें, क्या रखनी थी, नॉर्मल सी चीज़ें थी, तो मतलब रोज़मर्रा की हमने चीज़ें ले रखी थी। और इस टाइम ना फ्रेंड्स हम लोग हैं मॉल रोड पे शिमला की, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं सॉफ्टी खाने के लिए, सॉफ्टी आइसक्रीम खाने के लिए। और शिमला की सॉफ्टी आइसक्रीम आप यकीन नहीं करोगे, बहुत टेस्टी होती है। तो सबसे पहले हम लोग वो खाएंगे, उसके बाद जाके जो भी शॉपिंग करनी होगी वो होगी। और फ्रेंड्स ये है हमारे मॉल रोड का एक सुंदर सा नज़ारा, आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आएगा। और मैं और मधु जा रहे हैं आइसक्रीम लेने के लिए ना मधु, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स गर्मी लगी है, ये देखो, इसलिए हम लोग छाता छिता ओढ़ के। शिमला में भी इतनी गर्मी है, मरीजों के परेशान होने का, दिल्ली विल्ली में क्या हाथ हो रहे होंगे ना। तो कभी आप लोग शिमला आए तो यहाँ की सॉफ्टी और यहाँ की आइसक्रीम ज़रूर खाइएगा, जैसा टेस्ट यहाँ पर है वैसा टेस्ट कहीं नहीं है भाई। और हमेशा की तरह हम लोग आ गए यहीं पर आइसक्रीम लेने के लिए, क्योंकि जब भी हम शिमला आते तो यहीं से आइसक्रीम लेते हैं। तो बस देखते यार कौन सा फ्लेवर। तो फ्रेंड्स इस टाइम हम मॉल रोड के शेर पंजाब के पास है और यहाँ पर काफ़ी टेस्टी वाली जो है आइसक्रीम्स मिलती है डिफरेंट टाइप की। तो मधु पूछी शॉपकीपर से, बट गर्मी इतनी ज़्यादा ना कि जो फ्लेवर हम लोगों ने खाना था शायद वो यहाँ पर नहीं है, यस यहाँ पर नहीं है, और उसने मना कर दी। हम आगे यहाँ पर आगे के लिए, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड्स जहाँ से हमने आइसक्रीम लेनी थी वहाँ पर तो नहीं है, बट मॉल रोड पे तो हर जगह ही शिमला में अच्छी मिलती है। तो यहाँ का मैंने थोड़ा सा ले लिया था सीन ना, यहाँ पर इतनी अच्छी पेस्ट्रीज वगैरह और क्या थे चॉकलेट्स वगैरह, बेकरी का सब कुछ सामान इतना अच्छा था ना। और यहाँ से हमने 3 फ्लेवर में जो है अपने लिए सॉफ्टीज ली और बहुत टेस्टी थी सीरियसली यहाँ की भी, तो चॉकलेट फ्लेवर और बहुत सारे फ्लेवर में हमने लिया। हम सब लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। और यहाँ पर बैठ के हम आइसक्रीम खा रहे थे, वहीं से मैंने मॉल रोड का एक सुंदर सा नज़ारा ले लिया था आप लोगों के लिए कि हमारा मॉल रोड यहाँ से कैसा दिख रहा था। फ्रेंड्स हम आगे हुए हैं, लो फ्रेंड्स हमारे छोले पूरी आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स मॉल रोड पर ही जो है हम चाट शॉप में बैठे हुए थे और यहाँ पर हमने छोले पूरी खाए, तो मधु ने तो खाए नहीं भाई, बट हमने ज़रूर खाए और काफ़ी अच्छे भी बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है छोले पूरी खा के आ गए हैं, अब देखते हैं आगे की शॉपिंग की क्या क्या खरीदी। गर्मी ने बुरा हाल कर दिया, ऐसे कुछ भी ना तो घूमने को दिल कर रहा है यार, ना कहीं जाने को दिल कर रहा है, थकावट हो रही है, क्या मैं शाम खड़ी हूँ।
और यहाँ पर सूट लेने के लिए आए हुए। देखते ग्यारह गर्मी थी ना, थोड़े हल्के हल्के सूट ले लेते हैं, मैं देखते कुछ पसंद आता है कि नहीं। हाँ से ना फ्रेंड्स, हमने डेली पहनने के लिए 3 सूट लिए, मैंने, मधु ने और मम्मी ने, हम तीनों ने अपने लिए एक सूट लिया था। और फ्रेंड्स यहाँ से ले रहे हम लोग मसाले वगैरह घर के लिए, गंज मार्केट शिमला के, यहाँ पर काफ़ी अच्छे मसाले मिलते हैं। तो हम लोग जब भी शिमला आते हैं तो महीने के जो मसाले वगैरह होते हैं ना, वो सारे यहीं से लिए जाते हैं, तो बस वही लेने के हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइम हम लोग संजौली पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम लोगों ने हमेशा की तरह पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया है। और जब हम मार्केट आते हैं तो मैक्सिमम हम लोग पिज़्ज़ा खा ही लेते हैं, और हमेशा की तरह आज भी पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बना था। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं बोलते क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, बहुत ज़्यादा यम्मी पिज़्ज़ा भी बना हुआ था फ्रेंड्स। तो आज के ब्लॉग में है बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेसिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब।